तो देखिए जनरल साइंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी के एग्जाम में, और बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी के। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 500 से ज़्यादा। उसका कंटिन्यू सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये पार्ट 3 है, क्योंकि आपको अच्छा लगा, आपने कमेंट किया, लाइक किया, दैट्स वाई मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, ठीक है। प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम सारे के सारे मैंने लिए हैं, और हर क्वेश्चन के डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है, पोलियो, माइलेटाइस, मलेरिया, कुकर खांसी या फिर दाद, रिंग वर्म। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई अ वायरस, वायरस के द्वारा किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सही है पोलियो माइलेटाइस। देखिए पोलियो माइलेटाइस रोग निस्बंधी विषाणु, ठीक है, के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। कुकुर खांसी बैक्टीरिया जनित रोग से, और दाद रिंग वर्म ट्राइकोफाइट्रान नामक कवक से फैलता है। तो यहाँ पे जो वायरस से फैलता है वो है ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे की डिटेल्स मैंने आप दे दिया, इसी तरह मैं सारे क्वेश्चंस के डिटेल आपको प्रोवाइड करता चलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स। देखिए प्रतिजन, प्रतिरक्षी हार्मोन या फिर इंटरफेरोन। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रतिजन, ठीक है। देखिए तंत्र में संबंध रोगजनक जीवाणु में उपयुक्त तो प्रतिजन, ठीक है, एंटीजन एक प्रकार इस प्रकार प्रविष्ट दिए जाते हैं कि रोग तो न उत्पन्न हो किंतु आवश्यक प्रतिरक्षी बन जाए, ऐसा टीका लगाकर किया जाता है। कुछ जीवाणु जैसे थिपडीरिया, धनुस्तंध आदि के जीवाणु अपने शरीर में जीव विष निकालते हैं, जो शरीर के दुष्प्रभाव उत्पन्न करके ऐसे रोगों को सुधारने एवं जीव विष की जिसे जीव विषाप कहते हैं, सुई दी जाती है, इसका मतलब इसका टीका लगाया जाता है। इसका प्रभाव हानिकारक नहीं होता है, इससे प्रतिरक्षी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये जीव विष के प्रभाव को निराकरण कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए अरविंद कार्लसन, वाल्टर कोहन, रॉबर्ट पी लॉफलिन या फिर फरीद मुराद। तो इन इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए सही है अरविंद कार्लसन। पार्किंसन रोग के इलाज के विकसित करने के लिए योगदान के लिए अरविंद कार्लसन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पार्किंसन रोग का सीधा संबंध जो है मस्तिष्क से होता है। डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है, जिन व्यक्तियों में इस तत्व की कमी हो जाती है उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं। यह बीमारी प्रायः 60 वर्ष की उम्र के बाद के लोगों को होता है, आपने मैक्सिमम देखा होगा। तो इसलिए इनको अरविंद कार्लसन को नोबेल प्राइज दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच, रेने लैकनेन, ड्रेसर या फिर हैंसेन। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट कोच। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। यह विवीरियो कॉलेरा, ठीक है, विवीरियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेस्क में किसकी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 0 कैलोरी, ठीक है। स्वीटेक्स यूज बाई अ डायबिटीज पेशेंट हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ, ठीक है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 0 कैलोरी। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 0 कैलोरी। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 0 कैलोरी होता है। मधुमेह डायबिटीज अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन को पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। स्वीटेस्क का प्रयोग मीठी चीज खाने के लिए किया जाता है, जैसे चाय आदि में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 0 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती उसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, हु डिस्कवर सेक्स हार्मोन, ड्रेसर, यूजीन स्टीनैक, एडवर्ड कॉल्विन या फिर सैमुअल कोहेन। तो और ऑप्शन आपके पास है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया, ड्रेसर, यूजिन स्टीनैक, एडवर्ड कॉल्विन या फिर सैमुअल कोहेन। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यूजिन स्टीनैक। देखिए सेक्स हार्मोन का पता यूजिन स्टेनक लगाया था। लिंग हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों में परिवर्तन, बायलिंगो बालों के आने का प्रतिमान एवं मौन आचरण का नियंत्रण करते हैं। यह हार्मोन मुख्यतः नर हार्मोन एंड्रोजन्स तथा मादा हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन
एस्ट्रोजन्स, ठीक है, ये मैंने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया था, इसके पहले वाले सेकंड वाले भाग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किस मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जाते हैं, देखिए तंत्रिका कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं, या फिर वृक्क किडनी कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू, स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं। स्टेम सेल चिकित्सा के तात्पर्य से उस चिकित्सा से है जिसमें स्टेम कोशिकाओं द्वारा रोग का उपचार किया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से कोशिका प्रत्यारोपण तक नीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आसंजित श्लेष्माभ, ठीक है, एडहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से क्या होता है। यहाँ पे देखिए मंड स्कार्स का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश हो जाता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, विषाणु संक्रमण पर रोक लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या है ये मुकोसा। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। देखिए आसंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। स्लेमा, ठीक है, मुकोअस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम को से सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़ुवाहट की संवेदना सीमित रहती है, अगला भाग, किनारों पे, मध्य भाग, या फिर पिछला भाग, ठीक है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर, पिछला भाग। देखिए जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, ठीक है, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं, टैक्स बड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, ठीक है, और पिछले भाग से कड़वे स्वाद तथा बगल में भाग में खट्टे का स्वाद का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे फोर इज द राइट आंसर, पिछला भाग। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से रुधिर कोशिकाओं में कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए वन, पट्टिकाणु, लाल रुधिकणिका, श्वेत रुधिकाणु, हाँ रुधिराणु, या फिर लसिकाणु, ठीक है। प्लेटलेट, देखिए रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स, वाइट ब्लड, एंड लास्ट है देखिए क्या, लिम्फोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन, देखिए प्लेटलेट, ठीक है। देखिए जब किसी कटे हुए भाग में रुधिर बाहर निकलता है तथा यह जेली के रूप में कुछ मिनटों तक जम जाता है, इस स्कंदन से पट्टिकाणु, प्लेटलेट, रक्त स्कंदन, कोएजुलेशन के लिए अनिवार्य होती है। रुधिर प्लेटलेट रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको चोट लगता है, ब्लड रुकता नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये जो प्लेटलेट है, ठीक है, ये उसका जो थक, मतलब उसको रोकने के लिए, कंटिन्यू बहता रहेगा तो पूरा खून निकल जाएगा, तो उसको रोकने के लिए ये आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटोबायोटिक कौन सा था, सबसे पहला वियुक्त प्रतिजैविकी, विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। देखिए टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री, पेनिसिलिन, ठीक है। शरीर के कृत्रिम रूप से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आजकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब तक अनेक एंटीबायोटिक खोज की जा चुकी है, लेकिन सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी कब, 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर विषाणु क्या होता है, वायरस, कंटेंट्स, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लियड एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एसिड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन, देखिए प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड, वायरस की रचना प्रोटीन और लिपिड से होती है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवर टू, थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण क्या होता है, ठीक है। वॉट इज द वॉट वॉट मे बी द कॉज ऑफ मॉल फंक्शनिंग ऑफ टायराइड, सॉरी हाँ टायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए देखिए आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम कमी, विटामिन सी की कमी। तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, जो है कि आयोडीन की कमी। थायराइड ग्रंथि का अंततः स्राव या हार्मोन थायरॉक्सिन तथा ट्राइडोथायरोनिन है। इन दोनों ही हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। आयोडीन की कमी से अवड़ू थायराइड ग्रंथि कम काम करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है, देखिए थायराइड
पिट्यूटरी अंडाशय या फिर एडी नाइट, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 ओवरी जो है कि बस खाली स्त्रियों में जाता है। मादा स्त्री जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि अंग होते हैं, जबकि नर पुरुष में प्रजनन तंत्र के लिए वृषभ एवं वृषण कोड, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, मूत्रमार्ग, शिश्न तथा पुरस्तनन और प्रतिष्ठ अंग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, जो कि अग्नाशय जो कि महिलाओं में होता है, ठीक है, ओवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये इस पार्ट का। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताएं, लाइक भी करें। तो अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? रक्त का पीएच नियतम, शरीर की उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, रक्त में पराशरणी दाब का नियमन। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। देखिए वृक्क या गुर्दे के महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हैं, आपको मैं सारा बता दे रहा हूँ यहाँ पे। शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, रक्त पीएच का नियंत्रण, रक्त में पराशरणी दाब का नियंत्रण, रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम 500+ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लाएंगे और सारे क्वेश्चन का डिटेल भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे कि आपको अनदर जो भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें हेल्प जरूर मिलेगी। होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक तो करिएगा जरूर। हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।